अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी आयज़त के बर्थडे का, जो हमने घर में सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले जो मैंने केक बनाया था उसकी पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो केक की रेसिपी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और घर में मैंने केक बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा बना था केक। तो आप भी छोटे मोटे इवेंट्स के लिए घर में केक बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग लिया है, 1/4 मैंने कप लिया है ऑयल का। ये सारे मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी और इनको ना मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये कि मैंने चीनी पहले पीस के रखी हुई नहीं थी, तो ये कि आपके पास अगर किसी भी चीनी ना भी हो तो भी आप अच्छे से ना इसको ब्लेंड कर सकते हैं और आपके साथ ना चीनी सारी है बहुत अच्छे से पिस जाएगी। तो मोस्टली मैं कप केक्स वगैरह जो है ना वो भी ब्लेंडर में बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर आलमोस्ट 1/2 कप के घी ऑयल और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है वनीला एसेंस। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं ब्लेंडर में। और उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाल दिया 1 कप। और इसके बाद सब चीज़ों को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद इसका अच्छा सा जब 1 से 2 मिनट आप इसको ब्लेंड कर लेंगे तो अच्छा सा इसका एक बन जाएगा बैटर। और सारी चीनी जब आपकी हल हो जाए तो आपका ये बैटर रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो पाउडर है, पाउडर आइटम्स हैं, उन सबको मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि वो कितनी क्वांटिटी ली है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के करीब मैदा और 1 चुटकी के जितना मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1 कप मैदा लिया है और 1/3 कप मैंने इसमें लिया है कोको पाउडर। और उसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का लिया है और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है बेकिंग सोडा। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर इस पॉइंट में इसमें ऐड करनी है, छलनी में उनको अच्छी तरह से छान लेना है। कई दफ़ा स्टोरेज के इशू बन जाता है तो वो वीडियो मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने इसको इनैश को ठंडा किया था और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मेरे पास जो इसके टूल्स थे ना वो थे नहीं, तो मैं इस तरह से ना नाइफ के साथ अप्लाई कर रही हूँ। चॉकलेट गिनाश को मैंने थोड़ा सा ठंडा किया था और इस तरह की कंसिस्टेंसीज की हो गई थी। जो लोअर वाली लेयर है उसके ऊपर पहले मैंने शुगर वाला मिक्सचर ऐड किया है, शुगर वाला उसका मैंने बनाया था। 2 टेबल स्पून मैंने डाला था शुगर पानी में हल करके, वो मैंने इसके ऊपर डाला इतना कि जितना वो एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद चॉकलेट गिनाश जो था वो मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर जो ऊपर पोर करना है मैंने चॉकलेट गिनाश, उसको मैंने अच्छे से गर्म किया। ये देखिए यहाँ पे उसमें मैंने ऐड किया है बटर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया। बटर से ना बहुत शाइनी सी इसकी लुक बन जाती है। और यहाँ पे मैंने केक को साथ कवर करके रखा हुआ है ताकि वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है
तो इसलिए मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे बटर मेल्ट होता जाएगा वैसे ही इसमें ना एक शाइनी सी लुक आती जा रही है, आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने केक को जो सेकेंड लेयर है उसके ऊपर रख दी है, और उसके बाद चॉकलेट गनाश को आपने इस तरह से पोर करना है। रूम टेम्परेचर पर इसको आना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, और दूसरा आपका केक भी ठंडा होना चाहिए, उसके बाद आपने इसको पोर करना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर अच्छे से गनाश भी आ चुका हुआ था, केक भी ठंडा हुआ हुआ था, इसके ऊपर मैंने इस तरह से कर दिया। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो गनाश है वो उसके ऊपर खुद ही स्प्रेड हो गया, और जो इसकी साइड्स हैं उसके ऊपर भी आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने केक को रख देना है फ्रिज में सेट होने के लिए, ताकि ये गनाश अच्छे से सेट हो जाए। कम से कम भी आपने एक घंटा डेढ़ घंटे के बाद इसके ऊपर बाकी की गार्निशिंग कर देनी है। और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैं जो राइट करना था उसके ऊपर मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी टाइम के बाद इसको निकाला, ऑलमोस्ट यहाँ पर एक घंटा हो चुका था। इसके बाद मेरे पास ये स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे, स्प्रिंकल्स के साथ मैंने इसको इस तरह से साइड से डेकोरेट कर दिया। बहुत थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, रात का टाइम है ये, जब मैं केक बना रही हूँ। सुबह हमने उसका केक करना था, केक तो वैसे बर्थडे उसकी हो चुकी थी नानों के घर में, लेकिन ये कि घर में हमने उसके बर्थडे नहीं की सेलिब्रेट दादा के साथ, तो मैंने सोचा कि चलो घर में केक बना लेते हैं और इसको भी हम एक दफ़ा फिर से सेलिब्रेट कर लेते हैं इसके बर्थडे दोबारा से। तो यहाँ पे बस मैंने सारे स्प्रिंकल्स इस तरह से स्प्रेड किए हैं, और फिर उसके बाद मैंने केक को दोबारा ठंडा होने के लिए रख दिया था, और दरमियान में हैप्पी बर्थडे आइजल जो है वो मैंने क्रीम के साथ लिखा था, और ये मैंने रात को ही लिख के ना सारा रख दिया था। और ये केक देखिए इसकी फाइनल लुक है, बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बना था और बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी केक था। तो सुबह फिर थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे सेटिंग कर ली थी बर्थडे की, केक के थोड़े से जो टेबल है उसके आसपास थोड़े बलून लगाए, और थोड़ा सा दीवार के साथ थोड़ी सी जो है ना सेटिंग कर ली थी। और अलीज़ा को भी मैंने वही ड्रेस पहनाया, ईद वाला ड्रेस था इसका। आइजिल को भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बोला कि भाई ये ड्रेस मैंने नहीं पहनना है, और आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िद करती है ख़ासतौर पर ड्रेस में, इसकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पर मैंने उसको फिर उसकी चॉइस का ड्रेस पहना दी, ड्रेस वो पहले भी पहन चुकी हुई थी, लेकिन यह कि आज बोला इसने कि मैंने यही पहनना है। और कैप भी उसके सर पर पहनाई थी, क्राउन भी पहनाया था, और अभी यहाँ पर उसके सर पर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसने उतार के फेंक दिए। तो बस यहाँ पे बच्चों की हम सेटिंग कर रहे थे, केक हमने कटवाया आइजल से, इसको क्राउन मैंने दोबारा पहना दिया, और आइजल ने बड़ी खुशी से केक काटा। और फर्स्ट सेकेंड बर्थडे पे तो ये बहुत रो रही थी, फर्स्ट बर्थडे पे तो स्पेशली बच्चे रो ही रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा उसको बड़ी समझ थी, और सारा केक जो है ना वो उसका तो दिल कर था कि मैं पीसेस में भी काट दूँ। तो यहाँ पे आइजल ने और अलीज़ा ने केक काटा, आइजल ने ही काटा और आइजल ने खूब पीसेस बनाए केक के। बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, बच्चे जो हैं थोड़ा सा खुश हो जाते हैं इन चीज़ों पे। तो उसके बाद बस केक को डिस्ट्रीब्यूट किया था, छोटी सी गेट टुगेदर थी, कोई भी भाई से हमने गेस्ट वगैरह इवन के मतलब इसके नाना नानों को भी नहीं बुलाया था, सिर्फ हम लोग घर के अपने ही लोग थे, और बस हमने केक वगैरह खा लिया और ये छोटी सी बर्थडे हो गई थी यहाँ पर। अच्छा खाने में मैंने बनाया था जी बीफ रोश, और रोश जो बहुत ही ईजी बन जाता है, तो रेसिपी भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर रख दिए आलू लाइन कर दिए हैं, उसके बाद मैंने इसमें बीफ है, बीफ थोड़ा सा मैंने चर्बी वाली बोटी भी ली है, उसमें थोड़ा हड्डी वाला पोर्शन भी लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पीस रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चर्बी वाली बोटी है उनको तो मैंने नीचे सेट कर लिया है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा रोश में और जो दम पुख्त है उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, तो रेसिपी जो है ना वो दम पुख्त की भी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ किए हैं मैंने, और बहुत इजीली ये बनने वाली रेसिपी है। तो अब फ्राइडे था जिस दिन हमने आइजल के बर्थडे सेलिब्रेट की, और ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है, तो फ्राइडे को वैसे भी खाना फटाफट से तैयार हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसी को रखा हुआ था फ्राइडे के लिए कि ये फटाफट से बन जाएगा। गोश्त पहले से मैंने निकाल के डीफ्रोस्ट कर लिया हुआ था, तो यहाँ पे इस तरह से आपने सारे गोश्त की सेटिंग कर लेनी है। मोस्टली आप कोशिश करें कि आलू के ऊपर इसकी सेटिंग हो ताकि नीचे ना लगे। उसके बाद मैंने दो से तीन टमाटर काटे हैं इस तरह से, उनके दरमियान में दो पीसेस कर लिए थे। उसके बाद मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं, उनके भी दो पीसेस कर लिए थे। और उसके बाद मैंने इसमें पाँच से छः जवे जो है वो लहसुन के डाले हैं, दो से तीन सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। उसके बाद मैंने जो दरमियान में स्पेस थी खाली वहाँ पे मैंने ऑयल डाला ताकि नीचे वाली लेयर में अच्छे से चला जाए, और ये सारा जो हमारा मसाला है अगर कहीं पानी ड्राई हो जाए तो ये नीचे ना लगे। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करने हैं, इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है जिसमें ज़ीरा और काली मिर्च साबुत भी शामिल थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, वो ऑप्शनल है, आप ना ऐड करना चाहें तो बेशक ना ऐड करें, ज़्यादातर ये काली मिर्च और नमक के साथ ही बनता है।
और उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्ची डाल के एक टेबल स्पून, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपने इसमें ऐड करना है जी जितना कि गोश्त आपके अच्छे से गल जाए, और इसमें क्योंकि हमने थोड़ा सा रखना होता है मॉइस्चर, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने इसमें 3 to 4 glass के करीब इसमें पानी ऐड किया है, जितने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर पे लगा दिया था, प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगी और 2 hours में ये आराम से आपका रेडी हो जाएगा, क्योंकि बीफ है, बीफ को गलने में थोड़ी देर लगती है, और ये भी फ्रेश नहीं था, फ्रीज़र वाला था, तो फ्रीज़र वाले गोश्त को गलने के लिए थोड़ी देर लगती है। आप अपने हिसाब से चेक कर लें, अगर आपके घर में ज़्यादा जल्दी गल जाता है तो आप थोड़े कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे के लिए इसको लगा के रख दिया था। इतनी देर में कोई भी आप घर का काम निपटा सकते हैं। तो फ्राइडे था, बहुत सारे काम हसल बसल चल रही थी, तो इतनी देर में खाना भी रेडी हो गया, साथ साथ मैंने रोटियां बना ली। और ये देखिए ये रोस्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और गोश्त का एक हेल्दी वर्जन है, स्ट्यू टाइप की ये रेसिपी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। और ये देखें बीफ के पीसेस कितने अच्छे से गले हुए हैं, मैं आपको शो करती हूँ कि कितना अच्छा गला हुआ है ये पीसेस का, और बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी है। और कुर्बानी का गोश्त सब घरों में थोड़ा बहुत मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना जूसी और टेंडर ये बना है, और यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।